पूरे देश में 2 दिन के लिए बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। जबलपुर में भी सिविक सेंटर ग्राउंड में बैंक कर्मी केंद्र सरकार व वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। बैंक कर्मियों का कहना है कि बैंकों का निजीकरण करने का फैसला करना केंद्र सरकार का गलत फैसला है और पूरे देश के करीब 10 लाख से भी ज्यादा बैंक कर्मी इस बात का विरोध करते हैं। जबलपुर में विभिन्न बैंक कर्मचारी संघों द्वारा बैंक कर्मचारियों के हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया गया। सिविक सेंटर ग्राउंड में बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी इकट्ठा हुए, केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि केंद्र सरकार अपना फैसला जल्द नहीं बदलती है तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो सभी 9 घटकों का बैंक यूनियन है, ये पूरे देश में 10 लाख बैंक अधिकारी कर्मचारी में फैला हुआ है। जो सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है, पहले 2 बैंक निजीकरण कर रहे थे, फिर 4 बैंक करने लगे, उस पर हम लोग सब आहत होके जनता का पैसा बचाने के लिए, बैंक बचाने के लिए आज निजीकरण के विरोध में हम लोग यहाँ पर हड़ताल 2 दिन की है। आज पहला दिन है हड़ताल का, इसके बाद कल फिर हड़ताल रहेगा और बैंक का कामकाज हम लोग बंद करेंगे, क्योंकि यदि सारे बैंक निजीकरण हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारी वालों को, ठेले वालों का बैंकिंग सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। निजीकरण बैंकों को आपको मालूम है कि कम से कम 10,000 रुपए से उनका खाता खुलता है, 5,000 रुपए हमको कम से कम जमा करना पड़ता है। नहीं तो अब आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि सरकार निजीकरण करके कॉर्पोरेट्स के हाथ में बैंकों की पूरी सेवाएं देना चाहती है। इससे आम जनता का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगी, उनकी गाड़ी कमाई चली जाएगी। आपने देखा है कि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो फेल हुए हैं और फेल होने के बाद हमारा अपना पैसा जमा होने के बाद कभी 5,000 रुपए निकालने मिलता है, कभी 10,000 रुपए मिलना चाहता है। इन सब चीजों को बंद करने के लिए हम लोग आज सब लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। मैं हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वार्ड स्टाफ एम्प्लाइज यूनियन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजेश कटल। धन्यवाद सर।